नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको बात करने वाला हूँ जो इंडियंस का सबसे अच्छा टॉपिक है और शायद आपको भी अच्छा लगेगा। हमेशा देखते हैं ना दूसरे की इनकम कौन सा कितना कमा रहा है, तो ऐसे ही डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, हम लोग भी चाहते हैं कि खुद को मोटिवेट करने के लिए हम ये चीज़ देख सकें भाई दूसरा बंदा कितना कमा रहा है, जिससे खुद को थोड़ा इम्प्रेस हों और हम भी मेहनत करें उस लाइन में। बहुत सारे यूट्यूबर यहाँ पे होंगे, बहुत सारे ब्लॉगर होंगे, बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम यूज करते होंगे, फेसबुक करते होंगे, कुछ लोग मज़े के लिए करते हैं, कुछ इनकम करने के लिए करते हैं। तो हम कैसे इन लोगों की इनकम को देख सकते हैं और ख़ुद एक मोटिवेशन फील करके हम भी स्टार्ट कर सकते हैं उनकी तरह। तो चलिए शुरू करते हैं इसी बात से। तो दोस्तों अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ socialblade.com नाम की एक वेबसाइट को, जो बॉट नाइन से मैं यूज कर रहा हूँ, तो आप भी उसे यूज कर सकते हैं। ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये बात आप याद रखिए। तो आप गूगल ओपन करिए, गूगल ओपन करने के बाद socialblade.com नाम से एक वेबसाइट होगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। तो उसको ओपन करोगे तो वहाँ पर आप किसी भी यूट्यूब चैनल का नाम डाल के सर्च कर सकते हो और देख सकते हो कि पर डे वो कितना कमा रहा है, कितने व्यूअर आ रहे हैं, उसकी रैंकिंग क्या है, कितने सब्सक्राइबर डेली आ रही हैं, वो सारी चीज़ें। तो बड़ी इजीली आप वहाँ से फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह जितने भी सोर्स हैं अर्निंग के, जो लीगल हैं जिनसे अर्निंग होती है, वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। मेरी भी आप इनकम देख सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर आपको मिल जाएगी। कभी कभी होता क्या है कि बहुत सारे लोगों के चैनल मोनेटाइज नहीं होते, पर वहाँ पर फिर भी इनकम शो कराता है। जैसे मेरा ये रियल रिव्यू चैनल है ना, अभी मोनेटाइज नहीं है, फिर भी अर्निंग मेरी शो कराएगा वहाँ पर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो एक एस्टिमेट अर्निंग होती है, वो बताता है कि अगर इतने व्यूअर आते हैं आपकी वीडियोज पर एवरेज आ रहे हैं तो इतनी तो इनकम होगी, वो इनकम एवरेज बता देता है। पर व्यूअर और जो सब्सक्राइबर होते हैं वो लगभग सही बताता है, करेक्ट तो नहीं कह सकते कि 100% एक्यूरेसी होती हो उस चीज़ में, 100% एक्यूरेसी नहीं होती। इस बात को मैं अभी भी आपको बता देता हूँ, केवल वो अंदाज़ा लगाते हैं कि इतने होते हैं। पर अक्सर मैंने प्रैक्टिकली देखा है, 1.5 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, तो रियलिटी थोड़ी बहुत होती है उस चीज़ में, तो आप वहाँ से एक अंदाज़ा लगा के कर सकते हैं। तो दोस्तों बस छोटी सी ये वीडियो थी इसी के बारे में, और आपको ये कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी वीडियो आगे भी पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।